born in Peshawar as Yusuf Khan in the Pathan family. लेकिन जब भी वक्त मिला तो मैं सोचता था और मेरी याद में नक्शे बिल्कुल खींचे हुए थे, चपली कबाब पुलाव और अब भी जो चीजें अब काबिल दरवाजा है वो उन्होंने वहां से तोड़ दिया, वो गायब हुए। वहां बात ये कि ये दिलीप कुमार नाम कैसे आपने अपनाया और क्यों अपनाया? हकीकत बताऊं? जी हाँ। ये पिटाई के डर से मैंने ये नाम रखा। पिटाई? हाँ। मेरे वालिद क़िबला मरहूम अल्लाह उनको बख्शे वो फिल्मों के सख्त मुखालिफ थे और उनके अजीज दोस्त एक लाला बशीशरनाथ थे जिनके साहेबजादे पृथ्वीराज कपूर भी फिल्म एक्टिंग किया करते थे और वो अक्सर बशीशरनाथ जी से बड़े शिकायत करते थे कि तुमने ये क्या कर रखा है कि तुम्हारा इतना नौजवान और सेहतमंद लड़का देखो ये क्या काम करता है। तो मैं जब फिल्म में आया तो मुझे वो तनकीद और वो पठान आदमी से उस वक्त तबीयत थी उनकी, खौफ भी था कि ये जब इनको मालूम होगा तो नाराज़ बहुत होंगे। और उस वक्त दो तीन नाम सामने रखे गए कि यूसुफ खान नाम रखा जाए या दिलीप कुमार रखा जाए या वासुदेव रखा जाए, तो मैंने अपनी ज़ाती तौर से कहा कि यूसुफ खान मत रखिए और जो आपके दिल में आए आप नाम रख दीजिए। तो बाद में कुछ कई दो तीन महीने के बाद जब मैंने अपना खुद इश्तहार में नाम देखा तो मुझे मालूम हुआ कि मेरा नाम दिलीप कुमार था, तजवीज़ किया गया। अपने पिता से झगड़े की वजह से 17 साल का एक यूसुफ खान नाम का लड़का पेशावर का अपना घर छोड़ के पुणे आ गया और यहाँ पर एक कैंटीन के बाहर सैंडविच बेचने लगा। उसने तब किसी को नहीं बताया था कि वो एक अमीर घराने से ताल्लुक रखता है। वो बहुत ही अच्छे उर्दू और इंग्लिश बोलते थे, इसी वजह से बॉम्बे टॉकीज की मालकिन देविका रानी की नजर जब इस लड़के पर पड़ी तो उन्होंने इन्हें नाम बदल कर हिंदी फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाने को कहा। और जब अपना नाम बदल कर इन्होंने हिंदी सिनेमा में कदम रखा तो फिर क्या था, वो पहले ऐसे एक्टर बने जिन्हें हिंदी सिनेमा में फिल्म फेयर का बेस्ट एक्टर अवार्ड दिया गया। इन्हें फिल्म फेयर का बेस्ट एक्टर अवार्ड 8 बार मिला, जो कि आज तक का एक रिकॉर्ड है जिसे महानायक अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान तक नहीं तोड़ पाए हैं। इन्हें पद्मश्री, पद्म विभूषण और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया था और उसी दौरान उन्हें पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान निशाने इम्तियाज भी दिया गया था। ये शख्सियत कोई और नहीं बल्कि ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार थे जिन्हें आज हमने खो दिया। रेस्ट इन पीस दिलीप कुमार साहब। सर क्या बोलना चाहेंगे? मैं यही कहूंगा कि एक तनावर दरख्त, एक सायेदार दरख्त जिसके साये में फिल्म इंडस्ट्री पिछले 75 साल से पनप रही थी, फल फूल रही थी, आज वो साया चला गया है। दिलीप कुमार एक एक्टर नहीं है, एक अदाकार नहीं है। मैंने ये नहीं कहा कि वो थे, मैं थे शब्द उनके लिए कभी इस्तेमाल नहीं कर सकता। दिलीप कुमार जैसा एक्टर, दिलीप कुमार जैसा अभिनेता जिसने अपना काम काम समझ कर नहीं किया, उन्होंने हमेशा अपना काम तपस्या, आराधना, इबादत समझ के किया। इसीलिए उनके जो हजारों, लाखों, करोड़ों जो उनके प्रशंसक हैं उनकी इबादत करते हैं, उनको पूछते हैं। कभी उन्हें पैसे की लालसा नहीं थी, कभी उन्होंने टीवी पर साबुन नहीं बेचा, कभी उन्होंने टीवी पर तेल नहीं बेचा, कभी शैम्पू नहीं बेचा। अगर उन्होंने कुछ बेचा तो कैमरे के सामने अपने टैलेंट को बेचा, लालच नहीं की। 250-300 फिल्में नहीं की, 75 साल के दौरान में सिर्फ
70 फिल्में की। इसे कहते हैं शख्सियत, इसे कहते हैं किरदार। आज के जो हीरोज हैं, किसी ने 250 कर ली हैं, किसी ने 300 कर ली हैं। डेडिकेशन क्या होता है, सिंसियरिटी क्या होती है, काम में रमना क्या होता है, ये सीखी है उनसे। ये वो सीख देकर गए कि मोहब्बत हमने माना जिंदगी बर्बाद करती है। देखिए आज जमाना आया हुआ है, हो रहा है, ये क्या कम है कि मर जाने। ओके, थैंक यू सर।